Oak! H! Slug! Slug! दोस्तों, तो चैनल पे आपको एक और सेंटर की रिलेशन भर्ती का चार्ट देखने को मिलेगा। अभी पूरी पीडीएफ दिखाने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। पूरी आप लंबी वीडियो होगी, थोड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सारे डाउट क्लियर करूँगा आपके। तो आपके जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे इस भर्ती के लिए, बता दूँ मद्रास से इंजीनियर ग्रुप सेंटर के अंदर ये भर्ती आई है और इसके अंदर सिलेक्शन होना काफ़ी आसान अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो। ठीक है, कुछ कंडीशन है इस भर्ती में जाने के लिए, वो आप ध्यान से सुनिए। और जो इसमें जाएगा 100% सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी आसान सिलेक्शन होता है इसका और काफ़ी कमी बच्चे पहुँचते हैं सेंटर के अंदर। तो क्या क्राइटेरिया है, सारी वीडियो में बीच में आपको पता लग जाएगा। पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए, कौन कौन इस भर्ती में जा सकता है अगर आप खामखाई पहुँच गए और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप पूरी वीडियो देखिए और समझिए क्यों कौन कौन जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले डिटेल बता देता हूँ मैं। आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे 2 अगस्त को, ठीक है, आने वाली 2 अगस्त 2021 को। और इसी बीच आपका पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपको टोकन वगैरह दे दिए जाएंगे और डेट दे दी जाएगी। जैसे आप 2 तारीख को पहुंच गए तो क्या आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख तक आपको कोई भी डेट दे दी जाएगी फिजिकल के लिए। आपके ग्रुप्स डिवाइड करके आपको डेट दे दी जाएगी, 8 तक आपका फिजिकल हो जाएगा। फाइनल डॉक्यूमेंट चेक भी उसी दिन हो जाए, आपके फिजिकल होते स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको सुबह रिपोर्टिंग कितने बजे करनी है, 4:30 बजे आपको सेंटर के अंदर जाना। आपका फिजिकल पीएमटी सुबह 6 बजे चालू हो जाएगा, ठीक है, आपके ग्रुप दौड़ाने शुरू हो जाएंगे। और कैंडिडेट नॉट इन प्रोसेशन रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड। अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो उसको तुरंत वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और घर पर वापस भेज दिया जाएगा। ऐसा क्यों, डॉक्यूमेंट उन्होंने दे रखे हैं, कौन कौन से लेके जाना है मैं आपको दिखाऊंगा, पीडीएफ पूरी है। मेडिकल आपके 9 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 8 को आपके सबके फिजिकल कंप्लीट होते हैं, 9 को आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। फिजिकल होने के बाद कोई टेंशन नहीं है। आपके एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर को दिए जाएंगे और 31 को आपका एग्ज़ाम निर्धारित कर दिया गया है, कन्फर्म होगा। अगर आपकी कोविड की सिचुएशन नहीं आई तो आपका एग्ज़ाम 100% होगा, ठीक है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि 6 महीने के बाद पेपर होने जा रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, थर्ड वेव भी आने वाली है इसलिए बता रहा हूँ। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और इसके अंदर मैं बता दूं आपको, डीएससी भर्ती वाले और टीए रिलेशन वाले भी जा सकते हैं, समझे आप। डीएससी और टीए का अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट, वो भी भर्ती देख सकते हैं, ठीक है। और तो आप देख लीजिए, सेंटर आपको बता देता हूँ मैं कहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाना है ट्रेनिंग बटालियन MS नगर गेट MEG सेंटर बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर में आप एंट्री करोगे तो किसी से पोर्ट वाले से बोलना है मद्रास सेंटर के बाहर छोड़ दो, आपको छोड़ देगा, ठीक है। भर्ती के टाइम वैसे ही रश होता है। आपको डोमिसाइल वगैरह लेके जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट, इतने तो आप एजुकेटेड अगर भर्ती देखने जा रहे हो टेक्निकल वाले तो आपको पता होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको 15 कॉपी सारी दे रखे हैं। NCC सर्टिफिकेट हो तो वो लेके जाना। आप कोई भी डॉक्यूमेंट मत छोड़ना, आप एफिडेविट मैं आपको दे दूंगा, इसके नीचे कौन कौन से बनवाने हैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेम चेंज का पता है तो GD के लिए आपको एज की कट ऑफ बता देता हूँ मैं। कट ऑफ इन्होंने 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2004, ठीक है, 1 अप्रैल 2000 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अभी आप बोलोगे इस दिन होगी मेरी, अब इसके बीच में आप कैलकुलेट कर लेना, इसके बीच में है तो आप चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। 17.5 से 21 और टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए 23, सबको पता है। अब दूसरी मेन बात करते हैं, प्योरिटी वगैरह दे रखी हैं। अब बात करते हैं ट्रेडमैन के अंदर कितनी वैकेंसी है। ट्रेडमैन के अंदर जाएं अपने सेंटर वाले, पहले बोल रहा हूँ अपने सेंटर वाले जाएं और कोई ना जाए। ट्रेडमैन के अंदर आपकी 2 शेफ की हैं, कम्युनिटी शेफ, कम्युनिटी शेफ, मैस, स्टेवर्ड, ड्रेसर, टेलर, म्यूजिशियन, हाउसकीपर, 2, टोटल 24 वैकेंसी हैं। खुद वाले सेंटर जाएंगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रेडमैन अगर आपके पास NCC है तो ज़रूर से ज़रूर जाएं। तो ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, ये आपका हाइट का क्राइटेरिया दे रखा है कुछ, तो ये हमारे काम का नहीं है। फिजिकल सबका सेम है, वही 5:30, 5:45 पूरा टाइम मिलता है सेंटर के अंदर, यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखना। और कुछ और पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपको, एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, कोविड की रिपोर्ट आपको लेके जानी है 72 आवर्स की, ठीक है, 3 दिन पहले की कोविड की रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी। और ये आपको सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना पड़ेगा 100% इसके पे आपको। और ये चार्ट कहाँ मिलेगा, अब आप बोलोगे चार्ट चाहिए हमें, चार्ट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा दोस्त, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको क्लिक करो, चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मैं, तो चैनल चार्ट भी वहीं पे मिलेगा। तो जय हिंद, नमस्कार। अब भी कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं, पूरा चार्ट आप ले सकते हैं वहीं से। जय हिंद, नमस्कार।